अर्बन कंपनी वालों, तुम ऐसा करोगे मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था। इतना तो मुझे मेरे दुश्मन ने भी नहीं लूटा जितना तुम लूटने वाले थे। अगर आपके पास कोई भी अप्लायंस है तो ये वीडियो पूरा देखना, बिकॉज ये वीडियो में जो एजुकेशन मिलने वाली है वो ना आपको सैमसंग वाले देंगे ना अर्बन क्लैप देंगे। ये वही बंदा दे सकता है जो फंसा हुआ है इन सब चीज़ों में। What's up D gang? Welcome to another vlog. आप लोग वंडर कर रहे होगे, Dude, where are you going? इतने दिनों बाद व्लॉग आ रहा है और ऐसा वैसा आ रहा है, Not at all. पीछे कुछ खास है। ये बंदा no, ये बंदे के बैग में जो है वो खास है और वो हम उड़ाने जाते हैं पूरा का पूरा। Let's go. Are you excited bro? उड़ाने के लिए बहुत excited हूँ भाई। ये वो लैपटॉप जो हम लेने वाले राइट बट आई नो आप सब यही वंडर कर रहे होगे कि डूड तेरे साथ सच में अर्बन कंपनी से फ्रॉड हुआ है कि नहीं, या बस तू ऐसे क्लिकबेट मार रहा है। ये क्लिकबेट मैंने इसीलिए मारा बिकॉज स्टार्ट थोड़ी अच्छी रहेगी तो थोड़ा तो खुश रहेंगे हम। बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है, हाँ हुआ है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल अर्बन क्लैप वालों या अर्बन कंपनी वालों, मुझे तुमसे कोई ग्रजेस नहीं है क्योंकि पहले से ही चैनल चल नहीं रहा है और मैं नहीं चाहता कि आप स्ट्राइक मार के चैनल उड़ा दो मेरा पूरा का पूरा। बट मुझे प्रॉब्लम है, बट सीरियस वाली प्रॉब्लम है तुम्हारे वो एम्प्लॉयज़ की जो हमारे घर पे आते हैं। डूड मैन, मुझे बिल्कुल नहीं लगा था कि इतने भी कमीने लोग होते हैं दुनिया में। लाइक मैं भी करता हूँ कमीनेपन के हद, थंबनेल थोड़ा सा अलग डाल देता हूँ व्यूज़ आने के लिए। बट डूड वो बंदा था, नहीं दिख रहा है ना आपको, और ऊपर चले गया था वो बंदा कमीनेपन की हद में। शिट। सो लेट मी एक्सप्लेन कि सीन क्या था और वो बंदा मुझे कैसे तरीके से लूटना चाहता था। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को अंडरस्टैंड करने के लिए, मेरे पास एक सैमसंग का फ्रिज है, 1 साल पहले लिया था, उसकी वारंटी खत्म होगी, 1 साल 2 महीने हो गए। सो मेरी किस्मत भी खराब ही थी वो टाइम पे। बट मुझे लगा अर्बन क्लैप वाला सस्ते में काम करके देगा, सो दैट्स वाई मैंने बोला ओके डूड आ जाओ रिपेयर करने के लिए। उनकी विजिटिंग चार्जेस कुछ 150 या 200 रुपीज़ थी। वो आया, ट्रस्टवर्दी दिख रहा था मुझे उसकी शक्ल से। बट अभी मुझे समझ में आ गया शक्ल पे ना जाना, लोग शक्ल पे कोई भी कमी ना निकल सकता। बट आई एम ट्रस्टवर्दी, सो सब्सक्राइब। उसने देखा फ्री जो कर रहा था और पहले ही उसने बोल दिया था ये फालतू फ्रिज है, ये फ्रिज नहीं लेने का सर जी, इसका प्रॉब्लम आता ही आता है। सो आई वॉज लाइक हाँ आया तो है 1 साल बाद, तो मैंने भी फ्रिज को गालियाँ दी है, 30 फ्रिज है, कोई काम का फ्रिज नहीं है। मेरी मम्मी ने भी उस फ्रिज को गालियाँ दी, हम तीनों ने मिलकर फ्रिज को गाली दी है। बट उसके बाद उसने जो जो बोला ही वॉज लाइक कि आपके फ्रिज का कंप्रेसर में से यहाँ वहाँ से हम गैस डालेंगे, वो करेंगे, ऐसा कुछ करेंगे, वैसा कुछ करेंगे, पूरा का पूरा अंदर से क्लीन कर देंगे। लाइक आपके नस कैसे अंदर से क्लीन हो जाता है वैसे वो अंदर से पूरा क्लीन हो जाएगा। सो आई वॉज लाइक ओह ओके डूड, बट 1 साल ही तो हुआ है, फ्रिज को ख़राब कैसे हो सकता है इतना अंदर का पूरा पार्ट। ही वॉज लाइक मैंने तो बोला है था फालतू फ्रिज है, मत लो ऐसा फ्रिज, अगर आप मुझे पूछते तो मैं कभी रिकमेंड नहीं करता आपसे। उसने मुझे कोने में लेके जाके मोबाइल बंद कर दिया उसका, बिकॉज उस बेवकूफ़ को लग रहा था कि मोबाइल रिकॉर्ड हो रहा है। ही वॉज लाइक अगर आप अर्बन कंपनी वालों से करोगे तो आपको 7,500 तक का खर्चा आ सकता है। उसमें क्या होगा सर, अर्बन कंपनी वालों को मुझे कमीशन देना पड़ेगा। बट अगर आप ये बुकिंग कैंसिल कर दोगे और प्राइवेटली मुझे करने दोगे तो आपका काम 5,500 से 6,000 के अंदर ही हो जाएगा। अरे भाई ओह शिट मैन, ये फ्रिज 40,000 का था और तू 7-8 हज़ार का खर्चा ही बोल रहा है मैन। मुझे लगा कुछ झोल है, मेरी स्पाइडर टिंकलिंग्स एक्टिव हो गई थी। तो जब वो बोलता था उसके बाद कि फ्रिज खराब है, मैं उसको ऐसे देखता था घूर घूर के। मैंने बोल दिया उसको कि रुक डूड, पापा आने के बाद मैं पूछूंगा उनको और उसके बाद तुझे आगे का इशारा दूंगा कि काम करना है कि नहीं करना है। तब उसको समझ में आ गया ये लोग इतने आसानी से बेवकूफ़ नहीं बनने वाले। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, उसने जाते जाते ये कहा था इस फ्रिज को ऑन बिल्कुल मत करना, बिकॉज अगर आप इसको ऑन करोगे तो वो नस में कचरा घुस गया था, वो ऐसे ऐसे जाके पूरा फ्रिज ब्लास्ट कर देगा। यू नो यूट्यूबर्स कैसे एग्जैजरेट करके बोलते हैं। बट उसने बोला था ब्लास्ट नहीं, ख़राब हो सकता है। तो मैंने बोला जाओ बाय। बोलने के बाद ही सर आपका मोबाइल लाओ ना। मैंने बोला क्यों डूड, वो चोरी करके भागने वाला है? नहीं सर, रेटिंग देनी है अपने आप को। काम ही नहीं किया तो रेटिंग दे रहा है। बोला नहीं सर, हमें ना थोड़े से पैसे मिलते हैं, हम गरीब आदमी लोग थोड़े से ज़्यादा पैसे कमा लेंगे, 10-20 रुपये। आपका आपके साइड से कुछ नहीं जाएगा सर, मुझे बस 5 स्टार देने दीजिए ना अपने आप को। आपको पता है वी इंडियंस, हम इमोशनल फूल्स होते हैं। मैंने दे दिया उसे, ले भाई दे दे 5 स्टार, कर ले अपने आप को अमीर। मैं आपको उस बंदे का प्रूफ देना चाहता हूँ। मुझे पता है आप लोग बोल रहे होंगे कि डूड तू झूठ भी बोल सकता है, सो यस द प्रूफ गाइस। यही सामने वाला बंदा है, बट मैं इसको ब्लर कर दूंगा बिकॉज वी इमोशनल फूल्स। मैं नहीं चाहता कि इसके बाल बच्चे भूखे रहे, इसको अर्बन कंपनी वाला निकाल दे। नहीं, इसका तो फोटो दिखाऊंगा। ये बंदे अच्छे थे, ये बंदे ने काम किया था अच्छे से, ये सब बंदे अच्छे थे, बट यही बंदा जो था ना मैन, ही वॉज द कमीना अर्बन कंपनी का बंदा जो मुझे बहुत गंदी तरीके से लूटने वाला था। और लूटने वाला क्यों बोल रहा हूँ मैं आपको, बिकॉज मैं आपको एक स्पॉइलर दे दूँ, इतना खर्चा हुआ ही नहीं, मतलब खर्चा हुआ ही नहीं। ऐसे आके देखिए मैं क्या बोलना चाहता हूँ। इसका नंबर भी नहीं दूंगा मैं आपको, क्योंकि मुझे पता है मैम आप ऐसे कुछ लोग उसको कॉल करके गाली याद दोगे। मैं भी यही चाहता था करना, बट नो, वी इमोशनल फूल्स नहीं चाहते बेचारे की ज़िंदगी ख़राब हो। ठीक है मैम, तूने मेरी ज़िंदगी ख़राब करनी चाहिए, नहीं हो पाई, बट आप एक बात ज़रूर ध्यान में रखना अब मैं क्या बोलने वाला हूँ, बिकॉज आप ऐसे लोगों से बच सकते हैं। इसके बाद लाइक नो, ये बंदे को मैं फ्रिज नहीं दूंगा हाथ में, बिकॉज मुझे पता है कि ये कुछ ना कुछ कांड करके देगा फ्रिज को, और फ्रिज की वाट लग जाएगी। फिर से मुझे अगले साल नया फ्रिज लेना पड़ेगा, मेरे डैड मुझे फिर से चप्पल से मारेंगे कि तेरे वजह से ये फ्रिज लिया था, तो अब इतने को भुगतना पड़ेगा। आई वॉज लाइक सैमसंग वालों को फ़ोन कर लेने दो उसको विजिटिंग चार्जेस उसके जितने भी है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने अर्बन कंपनी वालों को इसीलिए चूज़ किया था बिकॉज उनके विजिटिंग चार्जेस बहुत कम है, सैमसंग के मुकाबले तो बहुत ही कम है। सैमसंग के विजिटिंग चार्जेस से 700 रुपये थे। मैंने उन सैमसंग वालों को कॉल किया, उनको लाइक बोला कि मेरे फ्रिज में प्रॉब्लम आ रही है ऐसे ऐसे। उन्होंने पूछा कि आपका ईयर क्या है। आई वॉज लाइक 1 साल हुआ है और 1 महीना एक्स्ट्रा हुआ है। वो भी मेरे ऊपर हंसने लग गया। क्या फूटी किस्मत है सर आपकी। बट उसने बोला कि मैन चार्जेस तो पे करने पड़ेंगे अगर विजिटिंग होगा। बट मुझे प्रॉब्लम तो पता ही है सर क्या हुआ था। मैंने उसको बोला कि ऐसा ऐसा है, ठंडा नहीं हो रहा है फ्रिज एंड ऑल। उसने बोला कि आपको बंदा बुलाने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही कर सकते हो घर में, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट बोला तो मैं खुश हो गया। उधर ही कहा 7-8 हज़ार, कहा फ्री। पूछा उसको क्या है। उसने बोला बंद करो 6 घंटे के लिए, उसके बाद चालू करो, ठीक हो जाएगा। मैं फुल खुश था, एकदम खुश किया मैन। 7,000 रुपये बच गए, अभी 7,000 की पार्टी करेंगे। पापा को बोलूँगा 7,000 खर्चा हो गया और खर्च पैसे अपने जेब में रखूंगा, ये वो मैंने सब सोच लिया था। बट फ्रिज चालू हुआ ही नहीं, 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, नहीं हुआ चालू। तो मैंने फाइनली उसको कॉल करके बोला साले तेरी आइडिया का फ्लॉप थी, नहीं हुआ ऐसा कुछ, भेज जल्दी बंदा। सैमसंग का बंदा आया, उसने चेक किया, उसने अलग ही प्रॉब्लम बोली बट अच्छी बोली बिकॉज खर्चा कम था। उसने 1,500 के अंदर उसके विजिटिंग चार्जेस पकड़ के सब हो गया। और मैंने उसको बोला कि मैम तू इतने में कर रहा है, और मैंने एक अर्बन कंपनी से बंदा बुलाया था, उसने इतने चार्जेस बोले थे मेरे को। उसने बोला सर आप बच गए बिकॉज वो बंदा फ्रिज की हालत ख़राब कर देता, ऐसा कभी नहीं करना। आई होप इस वीडियो ने आपको थोड़ा सा एजुकेटिव बनाया होगा, क्योंकि हम बस एंटरटेनमेंट चैनल नहीं है, हम एजुकेशन चैनल भी है। आपको इस एजुकेशन चैनल वाले बंदे की शक्ल देख के अंदाज़ा हो ही गया होगा कि कितना दुख है इस दुख भरी कहानी को पीछे छोड़ के चलो आगे चलते हैं और देखते हैं कि इस चीज़ के ऊपर मेरे दोस्त ने 1 लाख रुपये क्यों फेंके हैं। एक्चुअली मुझे अब तक समझ में नहीं आया बट मज़ा आया। मेन मतलब ग्राफिक कार्ड है RTX 1350 का ग्राफिक कार्ड से इसमें कुछ नहीं डूड, और इसमें बहुत सारा पैसा लगा हुआ है डूड। मैंने उसको बोला था इसके बदले 2 PS5 ले, एक तेरे लिए एक मेरे लिए, बट कमीने ने साले ने वो नहीं लिया। बट ठीक है डूड, जो मिल लिया मज़ा आया। सो गाइस अगर आपको इसकी और कुछ डिटेल्स चाहिए तो आप मेरे सेकंड चैनल पे आओ और कमेंट सेक्शन में बताना, फिर मैं एक डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ इसके ऊपर। उनका ब्रो का चैनल लिंक इन डिस्क्रिप्शन। ब्रो मैं आपको स्पेसिफिकेशंस बता देता हूँ। ये Ryzen 7 4800H वाला प्रोसेसर है इसके अंदर, और इसके अंदर अभी फ़िलहाल 8 GB रैम है, तो इसे मैं अपग्रेड करूँगा 16 GB में, तो वो वीडियोस मेरे टेक चैनल पे आएंगे। लिया है वो, उसमें मज़ा तो आया। और करेंगे गाइस इसमें हम लोग, इसमें गेमिंग भी करने वाले हैं डूड। सुपर अभी देखते हैं कैसी गेमिंग होगी इसमें, अभी इसको टेस्ट करेंगे पूरा फुल खचक 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 करके रख देंगे। सी यू गाइस लेटर।